नमस्कार, आप नेक्स्ट सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, लालू प्रसाद यादव और उनके करीबियों के खिलाफ ईडी की छापेमारी के बाद तमाम तरह के सियासी बयान सामने आने लगे। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही हैं और हमले भी बोले। लालू प्रसाद यादव के और उनके करीबियों के 24 ठिकानों पर आपने देखा किस प्रकार ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। चाहे उनकी बेटियां हों, चाहे तेजस्वी यादव हों, या फिर लालू प्रसाद यादव के गाजियाबाद वाले समधी क्यों ना हो। अब ऐसे में ललन सिंह ने क्या कुछ लिखा है वो जरा देखिए। नौकरी के बदले जमीन मामले में सीबीआई दो बार जांच कर साक्ष्य नहीं जुटा पाई, लेकिन 9 अगस्त 2022 के बाद अचानक दिव्य शक्ति से उनको साक्ष्य मिलने लग गया और माननीय लालू प्रसाद यादव जी और उनके परिजनों के यहां भारी छापेमारी हुई। खोदा पहाड़, निकली चूहिया। इसके बाद कहते हैं, अरे भाई, साक्ष्य नहीं मिलता तो साक्ष्य दिखाने के लिए पालतू तोते कुछ भी कर सकते हैं। गाय का सिंह भैंस में और भैंस का सिंह गाय में जोड़ रहे हैं। अखबार कहता है एके इंफोसिस्टम के कारण छापा डाला गया है जिसका नौकरी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन खैर, पालतू तोते अपने मालिक का निर्देश पाकर कुछ भी कर सकते हैं। अघोषित आपातकाल जो है, गर्भवती महिला और छोटे छोटे बच्चों के साथ इस तरह का निर्मम आचरण देश में पहली बार हुआ है। देश इसको याद रखेगा, दमन चाहे जितना कर लें, 2024 में देश भाजपा मुक्त होगा, होकर रहेगा। ललन सिंह काफी गुस्से में, उनके इन शब्दों को अगर गौर करें, उनके इन पंक्तियों को गौर करें तो ललन सिंह की एक एक भावनाएं इन पंक्तियों में दिख रही हैं और कह रहे हैं कि बार बार छापेमारी करवा रहे हैं, लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को परेशान कर रहे हैं। और ये कहां का आचरण है कि छोटे छोटे बच्चों को आप घंटों बैठा देते हैं, 15 घंटे 16 घंटे छोटे छोटे बच्चे आप बैठे हुए हैं अंदर में, ना खाया ना पिया कुछ नहीं, और वहां गर्भवती महिला की बात हो रही है। क्योंकि तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव, आपको पता है, गर्भवती है। तेजस्वी यादव इसी सिलसिले में मुलाकात को भी दिल्ली गए थे और आपको यह भी खबर हम दे चुके हैं, जैसे हमारे संवाददाता आलोक ने बताया कि अस्पताल में उन्हें भर्ती करना पड़ा है। रात 2 बजे ईडी जो है पूछताछ करके लौटी है, उसके बाद आप समझिए क्या तस्वीर रही होगी। लेकिन अब ललन सिंह ने पूछा है कि देखिए, सीबीआई दो बार जांच करके साक्ष्य नहीं जुटा पाई, तो अब जो है 9 अगस्त 2022 के बाद से अचानक दिव्य शक्ति, मतलब कोई अलौकिक शक्ति मिल गई, जिसके बाद अचानक इन्हें साक्ष्य पर साक्ष्य मिलने लगे और छापेमारी पर छापेमारी करने लगे। ललन सिंह काफी सारी बातें बोल रहे हैं और कहीं ना कहीं निशाना, कहीं ना कहीं क्या, साफ तौर पर निशाना जो है बीजेपी की ओर है और ये कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी कर लीजिए, 2024 में देश जो है बीजेपी मुक्त होगा। लेकिन उससे ही तक आपको एक और जानकारी दे दें कि लालू प्रसाद यादव और उनके करीबियों की यहां कल बहुत छापेमारी हुई। पटना में चाहे वो अबू दोजाना पूर्व विधायक की बात हम कर लें, या फिर दिल्ली से लेकर बिहार तक जितने भी उनके करीबी हैं, उनकी बेटियां हैं, चाहे वो चंदा यादव हों, चाहे वो अन्य बेटियां हों, चाहे तेजस्वी यादव हों, उनके यहां भी छापेमारी की गई। रागिनी के यहां भी हुई, बातचीत हुई, पूछताछ की गई। तो जितने भी लालू प्रसाद यादव से जुड़े लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनके करीब रहने वाले लोग हैं, उन सबके यहां दबिश की दी गई। और ऐसे में अब ललन सिंह जो है जदयू की ओर से, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने लालू प्रसाद यादव की ओर अपना रुख किया है और लालू प्रसाद यादव के समर्थन में खड़े होकर बीजेपी को आईना दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या आप ऐसे ही राजनीति कीजिएगा, ये राजनीति का कोई तरीका होता है। ये बातें ललन सिंह कह रहे हैं। इसके पहले ललन सिंह के अलावा कई नेता और भी कह चुके हैं, राजद के तमाम नेता इस बात को दोहरा रहे हैं। फिलहाल देखते हैं कि अब इस पर सियासत कितनी होती है और लालू प्रसाद यादव के मामले को लेकर अब ताजा अपडेट क्या निकलकर सामने आता है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।